नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है रेलवे भर्ती से भुवनेश्वर ग्रुप डी चयन परीक्षा 2006-2008 का जो है पेपर का संपूर्ण हल करवाएंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विसंगत को छांटना है, सीता, गीता, महाभारत, रामायण। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, सीता हो जाएगा, क्योंकि रामायण, गीता, महाभारत तीनों जो है महा एक ग्रंथ है। दूसरा नंबर का जो है बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ बी हो जाएगा। देखो रीजनिंग है, इसको आप लोग हल कर लीजिए। उसके बाद में तीन का जो है हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा यहाँ सी है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, इसको आप लोग हल कर लीजिए। इनमें से कौन अलग है, तो चार नंबर का बच्चों सही जवाब हो जाएगा कैंची और दर्जी, यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा। भारत ने हाल ही में किसके साथ प्रमाण समझौता करार किया जिस पर विवाद चल रहा है, तो बच्चों पाँच का सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, यूएसए के साथ। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो यहाँ जो है छ का सही जवाब हो जाएगा बच्चों मिल्खा सिंह, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल में रजत पदक प्राप्त किया था, तो यहाँ बच्चों सात का सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, राज्यवर्धन सिंह राठौर। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सात का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह बच्चों बुध है। उसके बाद में है देखो नौ का है, नौ का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, यहाँ आठ हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए आप लोग बच्चों। किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो यहाँ जो है सी हो जाएगा हीरा, यहाँ जो है सही जवाब जो है सी हो जाएगा। आगे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। सीसा पेंसिल लिखने में प्रयोग किया जाता है, तो बारह नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा ग्रेफाइट। इस आगे देखेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओण देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए बच्चों, तो जो है यहाँ सही जवाब ये हो जाएगा 18 वर्ष, ओण देने के लिए सही उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो बच्चों आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे ये थे सुभाष चंद्र बोस, यहाँ सही जवाब ये हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक क्षेत्र में कौन सा है, तो असम है। 17 का जो है बच्चों सही जवाब ये हो जाएगा। सामान्य नमक का सूत्र क्या होगा, तो NaCl, 18 का ए हो जाएगा NaCl हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये बहुत सरल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बुल और बियर संबंधित है, ये तो बच्चों जो है बुल और बियर किससे संबंधित है, तो शेयर मार्केट से यानी शेयर बाजार से संबंधित है। इनमें से नकदी फसल कौन है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा मूँगफली हो जाएगा। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं बच्चों, तो ये जो है क्या करते हैं, तो बच्चों ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है CO2 छोड़ते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, ये पुराना हो गया, आगे देखेंगे। इनमें से कौन प्रधानमंत्री नहीं बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। नेपाल की मुद्रा क्या है बच्चों, तो नेपाल की मुद्रा का नाम बताइए आप लोग जो है, नेपाल की मुद्रा क्या है, तो यहाँ जो है टका हो जाएगा, यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। 26 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, तो 26 का सही जवाब ए हो जाएगा, आप लोग इसको हल कर लीजिए। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सती प्रथा बंद करने में किसने सहयोग दिया था, राजा राम मोहन राय बच्चों, यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा। 28 का आपको आप लोग हल कर लीजिए, यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। केंद्र सरकार में रेलवे के कैबिनेट मंत्री कौन है, ते बच्चों जो है कब पुराना हो गया है। आगे देखेंगे 30 का देखेंगे, 30 का सही जवाब जो है क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा 800। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी में जन्मे थे, वे क्या थे, तो आर्यभट्ट बताना है बच्चों, तो ये जो है खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। 32 का देखेंगे, 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बच्चों 32 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, आप लोग इसको हल कर लीजिए, रीजनिंग है। लाला लाजपत राय किसके विरोध दौरान मारे गए थे, तो 33 का सही जवाब हो जाएगा साइमन कमीशन, यहाँ सही जवाब इसका जो है लाला लाजपत राय किस विरोध के दौरान मारे गए थे, तो साइमन कमीशन के विरोध दौरान मारे गए। बेनजीर भुट्टो कहाँ प्रधानमंत्री थी, तो बच्चों 34 का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा पाकिस्तान। सांभर झील कहाँ है, तो ये जो है राजस्थान की झील में है स्थित है सांभर झील, जो खारे पानी की झील है। UNO में कौन संस्था बच्चों के लिए काम करती है, तो 36 का सही जवाब बच्चों जो हो जाएगा बी हो जाएगा यूनिसेफ। पराबैंगनी किरणें किसको अवशोषित करती हैं, तो ओजोन परत को अवशोषित करती हैं। लोकसभा के स्पीकर कौन है, ये बच्चों पुराना हो गया, करंट अफेयर संबंधित है।
इस समय ओम बिरला है, डिविल शब्द संबंधित है किससे, तो 39 का सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा डिबल, डिबिल शब्द ये जो है फुटबॉल संबंधित है। 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 40 का सही जवाब ए हो जाएगा, देखो रीजनिंग है इसको आप हर लोग हल कर लीजिए। उसके बाद में 41 नंबर देखेंगे बच्चों लोग, 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 41 सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। पंडित रविशंकर किस वंद से संबंधित है, पंडित रविशंकर तो ये जो है रविशंकर बच्चों संबंधित है, 42 का सही जवाब हो जाएगा सितार, सितार से संबंधित हो जाए संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, यहाँ सही जवाब जो है 43 का ए हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतला लेखक कौन है बच्चों, तो 44 का सही जवाब जो हो जाए बी हो जाएगा, कालिदास है, बहुत सरला है। 45 का आप लोग हल कर लीजिए, 45 का जो सही जवाब हो जाएगा, 45 का सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, शांत निकेतन की स्थापना किसने की थी, शांत निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है, तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो रेखा है ये जो है बच्चों पाक, पाक जल मध्य है, यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा। 48 का अगला देखेंगे हम लोग, 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको आप लोग हल कर लीजिए, हम उत्तर बच्चों बता दे रहे हैं। 48 का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, 20 वर्ष होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बस सभी बच्चे जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय पशु है जो है बाघ है। आगे देखेंगे हम लोग, कल्पना चावला की मृत्यु जिस अंतरिक्ष में यान लौटते समय हुई, तो उस अंतरिक्ष का नाम बताइए, तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, कोलंबिया। पीतल, पीतल किसका मिश्र धातु है, 51 का बी हो जाएगा बच्चों, कॉपर और जिंक बी हो जाएगा। 52 नंबर देखेंगे हम लोग, 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 52 का सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, 40 दिन। तो नेत्रहीनों के पढ़ने की लिपि क्या है, तो यहाँ बच्चों ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल ने जो है तैयार किया था। मधुमेह रोग संबंधित है किससे, तो मधुमेह रोग जो संबंधित है बच्चों ये जो है इंसुलिन संबंधित है, यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। भारत के दक्षिणी छोर क्या नाम से जाना जाता है, तो 55 का सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आगे देखेंगे 56 मैथमेटिक्स से है, आप लोग हल करना है, तो 56 का सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा। 57 नंबर देखेंगे, 57 का जो है ए हो जाएगा, 27। 58 स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो 58 नंबर का सही जवाब बच्चों हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, भारतीय लगा है ना इसलिए यहाँ जो है राजगोपालाचारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पेड़ की आग ज्ञात की जाती है कैसे, तो ये जो है यहाँ सी हो जाएगा, वलय को गिनकर, उसके जो वलय होते हैं उसको जो है गिनकर ज्ञात की जाता है। 60 का क्या हो जाएगा बच्चों, ये रीजनिंग हल करना है, 60 का जो सही जवाब हो जाएगा 60 का ये हो जाएगा, 60 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। 4 अंपाते 15। वर्ष 2008 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे, तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, बीजिंग हो जाएगा। खरीफ फसल काटी जाती है, तो बच्चों ये जो है अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या नारा किसने दिया था, आगे देखेंगे हम लोग, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या नारा किसने दिया था, तो 63 सही जवाब सी हो जाएगा बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अर्धवृत्त केंद्र पर बनाए गए कोण का माप कितनी होती है, तो 64 का सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, 180 डिग्री। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो 65 की का जो सही जवाब हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 28। आगे देखेंगे हम लोग जो है त्रिपुरा को की किस दिशा में स्थित है, त्रिपुरा जो है तो यहाँ जो है उत्तर पूर्व, यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। त्रिपुरा भारत के किस दिशा में है, उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है। आगे देखेंगे 67 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, 67 का जो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित हैं, तो 68 का सही जवाब बच्चों मौर्य वंश से संबंधित हैं, यहाँ ये हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो 69 का सही जवाब बच्चों जो हो जाएगा डी हो जाएगा, बर्न, यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे, तो 70 का अकबर, 70 का ए हो जाएगा।
लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। पेस मेकर संबंधित है किससे बच्चों? तो 72 सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये जो है हृदय से संबंधित है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तेरी से संबंधित है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो ये पुराना हो गया, आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो बच्चों 75 का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, दूध से दही बनना, ये जो है क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है, यहाँ सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, 76 का जो है बी हो जाएगा। 77 क्या हो जाएगा? 77 का जो आप ये मैथ है कि 77 का सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, वृत्त। 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 78 का जो है बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, धूप से कौन सा विटामिन मिलता है हम लोग को? विटामिन डी मिलता है, यहाँ डी हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो पुराना हो गया है। 81 नंबर देखेंगे हम लोग, 81 सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो 81 का सही जवाब जो हो जाएगा डी हो जाएगा। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो 82 के हॉकी से संबंधित है। आगे देखेंगे, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। गुलाबी शहर नाम से जाना जाता है, तो जो है जयपुर को जाना जाता है। 84 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 84 का जो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, 18। एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यहाँ जो है 85 का सही जवाब ए हो जाएगा, नेपाल में। विसंगत को यहाँ चुनना है, तो 86 का बच्चों जो है सी हो जाएगा, पीतल। राजस्थान में आसानी से उगने वाला पौधा कौन सा है? तो 87 का ए हो जाएगा बच्चों, कैक्टस। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है जयपुर में स्थित है, बी हो जाएगा। 88 का जो है बी हो जाएगा। 89 का विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? तो 89 बच्चों सही जवाब आंध्र प्रदेश में है, सी हो जाएगा। सहारा का मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा का मरुस्थल ये जो है बच्चों एशिया में स्थित है। 91 क्या हो जाएगा? 91 का सही जवाब जो है ए हो जाएगा, 91 का ए हो जाएगा। और आगे देखेंगे, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? बच्चों यहाँ 92 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसंगत को अलग कीजिए, चंद्रमा पृथ्वी शुक्र और शनि। यहाँ बच्चों जो है पृथ्वी शुक्र शनि एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो है पृथ्वी को ग्रह, यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, सही जवाब ए हो जाएगा। गोबर में कौन सी गैस प्राप्त होती है? यहाँ जो है बच्चों मीथेन गैस प्राप्त होती है। विकर्ण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा है? तो यहाँ बच्चों जो है सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, काला हो जाएगा। क्रम से मिलान कीजिए, चार ऑप्शन है, सही जवाब हो जाएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, सही जवाब ए हो जाएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है बच्चों? ये जो है दूरी का मात्रक है, इसमें सही जवाब जो है डी हो जाएगा। झारखंड किस राज्य में से बना है? झारखंड राज्य किस राज्य से बना हुआ है? बिहार से बना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है 1942 ईस्वी में हुआ था, यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ जो है नर्मदा। यूके की राजधानी की है? तो ये बच्चों यहाँ हो जाएगा लंदन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है? तो 103 का जो बच्चों सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। वीरभूम किसकी समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी की समाधि स्थल है, यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो इस समय बदल गया है बच्चों, इस समय 28 है। आगे देखेंगे हम लोग, जो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। तीसरी दुनिया से कौन संबंधित है? तो विकासशील देश, जो विकासशील देश हैं ये तीसरी दुनिया से संबंधित हैं। संसद का अपर सदन कौन सा, यानी सबसे ऊंचा सदन? ये जो है राज्यसभा है, जिसका कार्यकाल 30 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा बच्चों? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यहाँ सही जवाब जो है ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ये जो है विकर्ण आवश्यक नहीं है। आगे देखेंगे, बल्ब फूटने पर आवाज़ होती है क्योंकि इसके अंदर हवा शून्य होती है, इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी, ये बिहार में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है?
चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं बच्चों, सही जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये जो है शहनाई से संबंधित है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो आगे 117 का बच्चों सही जवाब हो जाएगा, ए पश्चिम बंगाल में है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है, तो 118 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा, सी हो जाएगा, सत्यमेव जयते यानी सत्य के हमेशा विजय होती है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान सीआरआई कहाँ स्थित है, तो जो है कटक में स्थित है। कटक कहाँ है, उड़ीसा में। प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो लाल हरा नीला, नीला हरा लाल। यदि बच्चों यहाँ सही जवाब जो है ये हो जाएगा। तो ये था बच्चों प्रैक्टिक सेट ग्रुप डी के भर्ती परीक्षा का संपूर्ण हल।